नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त आप सभी को मेरे गार्डनिंग चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और अपने अपने कामों में बहुत अच्छे तरीके से बिजी होंगे। दोस्तों अभी से तो सितंबर महीना चल रहा है और इस महीने में सभी प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और आप इस समय कोई भी कटिंग्स लगाते हो तो कटिंग भी बहुत अच्छा लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं एक कटिंग लगाया था क्रोटोन का। देखिए मैं बहुत ही एक पतला कटिंग मतलब एक छोटा सा कटिंग में लगाया था ये देखिए, और देखिए इसमें अभी नया नया लीव्स निकलना चालू हो गया है, मतलब मेरे जो कटिंग था वो अभी लग चुका है। तो दोस्तों इस सीजन में कोई भी प्लांट्स का अगर आप कटिंग लगाते हो तो बहुत ही आसानी से वो लग जाता है और ज़्यादा केयर भी उसका नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो लीव्स होते हैं देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में, येलो और ग्रीन का शेड, मतलब ग्रीन लीव्स के ऊपर येलो का डॉट्स। देखिए दोस्तों जो नीचे वाले जो लीव्स होते हैं उसमें येलो डॉट्स ज़्यादा होते हैं और जो नए नए लीव्स निकलते हैं उसमें येलो डॉट्स कम होते हैं। दोस्तों ये एक ऑर्नामेंट प्लांट है, इसको आप इंडोर भी रख सकते हो आउटडोर भी रख सकते हो, लेकिन मेरा जो ये प्लांट है ये फुली आउटडोर है क्योंकि आप लोग जानती हो मेरा जो गार्डन है पूरा छत के ऊपर है। इस छत के ऊपर आप लोग जानते हो फुल धूप रहता है, फिर भी मेरा ये कटिंग बहुत ही अच्छा छत और छत के ऊपर आप देख रहे हो मेरा ये प्लांट कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, मतलब मेरा कटिंग अब लग चुका है। दोस्तों इसको मैं जो पॉटिंग मिक्स में लगाया था वो था 40% गार्डन सॉयल, 40% सैंड और 20% में कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था। दोस्तों मैं सभी जो प्लांट्स होते हैं सभी पॉटिंग मिक्स में मैं सभी प्लांट्स के लिए मैं यही पॉटिंग मिक्स यूज़ करता हूँ। और दोस्तों देखिए मैं इसको एक 6 इंच के पॉट पे लगा के रखा था और मैं इसमें ही कटिंग लगाया था और इस पर ही इसका ग्रोथ देखिए अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों ये पूरा साल भर ही ग्रोथ करता रहता है, इसका कोई ग्रोथिंग सीजन नहीं है, ये पूरा साल भर ग्रोथ करता है। इसमें कोई फ्लावर तो होता नहीं है, इसका जो लीव्स होता है यही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिए। दोस्तों क्योंकि ऑर्नामेंट प्लांट होते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप महीने दो महीने में थोड़ा करके इस थोड़ा सा इसमें काउडंक दे दीजिए तो इसका ग्रोथ अच्छा खासा चढ़ता रहेगा। इसका ग्रोथ पूरा साल भर ही होता है, इसका कोई ग्रोथिंग सीजन नहीं होता है। तो दोस्तों आज का मेरा मेन टॉपिक इसके ऊपर नहीं था, आज का मेरा मेन टॉपिक है इस प्लांट्स के ऊपर जिसे कहते हैं 4 o'clock। इसका जो कलर है फ्लावर का बहुत ही यूनिक कलर है, मुझे देखने में इसको बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों गजब का बात यह है कि मैं इस प्लांट्स को कभी लगाया नहीं था, ये मेरे गार्डन में अपने आप ही उग गया है और एक नहीं मेरे पास और बहुत सारे प्लांट्स उग गए हैं अभी। एक से पहले तो मेरे गार्डन में ये एक ही प्लांट्स था लेकिन वो भी मैं कभी भी लगाया नहीं था। ये देखिए कितना अच्छा लगता है इसके फ्लावर, और इसका जो कलर है फ्लावर का वो पूरा पिंक कलर है। इसका नाम 4 o'clock है, शायद ये शाम के 4 बजे ही फ्लावरिंग करता है इसलिए इसका नाम 4 o'clock है। दोस्तों इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, ये देखिए ये जो गांठ है यहाँ से नीचे आप अगर काट करके इसको लगा दोगे तो प्लांट्स यहीं से ग्रोथ हो जाता है। और दोस्तों इसका इस सीड भी होता है, यहीं से नए नए सीड्स बनते हैं, वो सीड से ही भी आप इसको जर्मिनेट करके नया प्लांट बना सकते हो। जिस स्पॉट पे ये लगा हुआ है ये देखिए एक चंद्रमल्लिका का मेरा पिछले साल का प्लांट्स था उसके अंदर ही ये प्लांट्स अपने आप ही जर्मिनेट हो गया है, मैं कभी इसको लगाया नहीं था। मेरे पास और भी एक दो प्लांट्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे भी एक प्लांट्स हो गया है, इसका भी अभी फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी एक प्लांट्स है मेरा और एक प्लांट्स यहाँ पर भी है, ये देखिए। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे पास कितने सारे प्लांट्स बन गए हैं लेकिन मैं इस प्लांट्स को कभी भी लगाया नहीं था। दोस्तों इसका फ्लावरिंग का सीज़न गर्मी के टाइम होता है और बारिश के बाद, बारिश में इसका फ्लावरिंग थोड़ा कम होता है, ज़्यादा पानी मतलब बारिश होने के लिए रेनी सीजन में, और फिर अभी बारिश के बाद अभी देखिए इस समय इसका फ्लावरिंग फिर से चालू हो गया है। दोस्तों आप इस पॉट पे लगा सकते हो, ये पॉट पे अच्छा खासा ग्रो होता है। देखिए मेरा वाला सभी प्लांट्स पॉट पे ही है। इसका और एक कलर रहता है वो होता है येलो, लेकिन वो मेरे पास नहीं है इस वक्त। मैं अभी इसका फ्लावर देखने बहुत ही अच्छा लग रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ येलो वाला प्लांट्स भी मैं एक ला के नर्सरी से लेके लगा दूँ। दोस्तों इसका ग्रोथिंग सीजन फरवरी के एंड से शुरू हो जाता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में इसका ग्रोथ तो नहीं होता है,
फरवरी के बाद से इसका नया ग्रोथ चालू हो जाता है और धीरे धीरे इसका कलिया भी आना चालू हो जाता है। दोस्तों ये तो था 4 o'clock प्लांट के ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और किसी भी चीज़ का सुझाव है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए प्लांट्स के ऊपर वीडियोस लेके आता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।